नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और ट्रैक्टर की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दो बेहतरीन ट्रैक्टरों का कंपैरिजन लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आज इस वीडियो में हम 60 एचपी कैटेगरी के अंदर आने वाले दो बेहतरीन और शानदार ट्रैक्टर जो कि किसानों के भरोसेमंद हैं और अपनी ताकत और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, इन दोनों ही ट्रैक्टरों का कंपैरिजन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 60 एचपी कैटेगरी के अंदर महिंद्रा और जॉन डियर के दो बेहतरीन ट्रैक्टर जो कि महिंद्रा नोवो 605 डीआई और जॉन डियर 5405 का कंपैरिजन देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता दें, इन दोनों ही ट्रैक्टरों के इंजन, क्लच, ब्रेक्स, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसमिशन, पीटीओ और उसके साथ साथ वारंटी के भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। और उससे पहले, अगर जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आपको ये दोनों ही ट्रैक्टर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दोनों ट्रैक्टरों के लुक्स से। दोस्तों, ये दोनों ट्रैक्टर काफ़ी शानदार लुक्स के साथ में आते हैं जो कि किसानों को बहुत ही पसंद आए हैं। वही दोस्तों, अगर पावर्स की बात करें तो ये दोनों ही ट्रैक्टर काफ़ी पावरफुल हैं जो कि आपको सभी इम्प्लीमेंट्स में अच्छी ताकत प्रदान करेंगे। वही अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही ट्रैक्टरों के इंजन कंपेरिजन की। तो दोस्तों, महिंद्रा में आपको 60 HP का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 2100 RPM पर अपनी पूरी ताकत प्रदान करता है। वही दोस्तों, जॉन डियर में आपको 63 HP का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। अब दोस्तों, ये दोनों ही ट्रैक्टर्स CRDI इंजन हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ट्रैक्टरों के एयर क्लीनर की। तो दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको ट्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर क्लीनर मिलता है जो कि दोस्तों रख रखाव की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ट्रैक्टरों के इंजन टॉर्क की। तो दोस्तों, महिंद्रा में आपको 235 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। वहीं जॉन डियर में आपको अप्रॉक्स 240 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। दोस्तों, टॉर्क के मामले में ये दोनों ही ट्रैक्टर्स लगभग बराबर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ट्रैक्टरों के ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो दोस्तों, महिंद्रा में आपको पार्शियल सिंक्रोमस ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है जिसमें आपको 15 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड्स मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों, आपको 15 फॉरवर्ड और 15 रिवर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका विकल्प चुन सकते हैं। वहीं जॉन डियर में दोस्तों आपको गियर प्रो के नाम से ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है जिसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाले ट्रांसमिशन सिस्टम मिलते हैं। साथ ही आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, वहीं 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स वाले ट्रांसमिशन के भी विकल्प मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही ट्रैक्टरों के ब्रेक्स और स्टेयरिंग की। तो दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको पावर स्टेयरिंग का भी विकल्प मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही ट्रैक्टरों के हाइड्रोलिक्स की। तो दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको बेहतरीन लिफ्टिंग कैपेसिटी वाला हाइड्रोलिक मिलता है। महिंद्रा में आपको 2700 किलोग्राम की क्षमता उठाने वाला हाइड्रोलिक मिलता है, वहीं जॉन डियर में आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। दोस्तों, आपको इसमें 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों ही ट्रैक्टरों में आपको ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल हाइड्रोलिक मिलता है जो कि आपकी खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही ट्रैक्टरों के पावर टेक ऑफ यानी PTO की। तो दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको स्टैंडर्ड 540 RPM मिलते हैं। वहीं जॉन डियर में आपको इकोनॉमी रिवर्स PTO भी मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, महिंद्रा में आपको लगभग 53.9 HP का P2HP मिलते हैं। वहीं जॉन डियर में भी आपको लगभग 54 HP का मैक्सिमम P2HP मिलता है। जो दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो महिंद्रा में दोस्तों आपको 65 लीटर का मैक्सिमम फ्यूल टैंक मिलता है। वहीं जॉन डियर में भी आपको अप्रॉक्स 70 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। दोस्तों, वारंटी की अगर बात करें तो दोस्तों दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको लगभग बराबरी की वारंटी मिलती है। महिंद्रा में दोस्तों आपको 6 ईयर और 6000 आवर्स की वारंटी मिलती है। वहीं
जॉन डियर में आपको 5 ईयर्स एंड 5000 हावर्स की वारंटी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर जवाब दें, और अगर आपको इन दोनों ही ट्रैक्टरों से अन्य कोई जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अन्य अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।